एक सैनिक की शहादत पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूब जाता है, लेकिन युद्ध में घायल सैनिक को वो मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? पिंजौर में कहा एक सैनिक ने। जब हम ठीक रहते हैं वही सैनिक बॉर्डर पर जाता है तो कोई पूछता नहीं है। वही सैनिक की शहादत हो जाती है तो पूरा भारतवर्ष मतलब इतनी देशभक्ति पैदा होती है झंडे डंडे लेकर के कि हमारे जैसा कोई देशभक्त नहीं है। उसके बाद जब उस परिवार को जरूरत पड़ती है तब साथ में कोई भी नहीं आता है। हम सैनिक हैं, हम हर टाइम मातृभूमि के लिए ही भर्ती हुए हैं, ऐसा कोई हमें गिला शिकवा नहीं है। मगर इस चीज़ का बिल्कुल खेद रहता है कि जब हम ठीक रहते हैं तब हमें वो इज्जत नहीं दी जाती, जब शहादत हो जाती है तो पूरा देश एक देशभक्ति रंग में हो जाता है, मतलब हमारे जैसा कोई देशभक्त नहीं है। कारगिल युद्ध के दौरान बुरी तरह से घायल हुए वीर सैनिक नायक दीपचंद को दुख है कि देश के एक सैनिक की शहादत पर पूरा देश रोता है और देशभक्ति के रंग में पूरा देश रंग जाता है, लेकिन जब देश के लिए युद्ध में घायल सैनिक के जब शरीर के अंग कट जाते हैं तो उसको वो मान सम्मान इज्जत क्यों नहीं मिलती जो उसे देश के नागरिक से मिलनी चाहिए थी? दिल्ली से बाइक रैली के साथ पिंजौर पहुंचे कारगिल युद्ध के घायल सैनिक नायक दीपचंद युद्ध के दौरान अपने दोनों पांव और एक हाथ गंवा चुके हैं और बाइक के साथ कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में घायल सैनिक अपने अंग गंवा चुके नायक दीपचंद ने बताया कि जब वह ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उन्हें सीट तक नहीं मिलती है, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें वो मान सम्मान वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों टांगे नहीं हैं फिर भी उनसे ऊपर वाली सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वह एक सैनिक है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। मैं एक दिव्यांग हूँ, मैं भी कई बार ट्रेन में भी जाता हूँ तो कई बार मेरे को सीट के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भैया मुझे नीचे की सीट नहीं है, ऊपर वाली है, आप ऊपर चले जाओ क्या, मतलब रिक्वेस्ट करने से भी कई बार मना कर देते हैं तो हमारी देशभक्ति उस टाइम कहाँ चली जाती है कि एक सोल्जर जिसको आप सरेआम देख रहे हो कि दोनों टांगे नहीं है, ऊपर चढ़ नहीं सकता है। तो ये चीज़ें बहुत है हम लोगों ने, मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई हम जैसे हम सैनिक कसम खाते हैं तो मरते दम तक कसम निभाते हैं, तो बाकी आदमी भी अगर सैनिकों को इतने वफादार है तो अपने दिल में ये कसम खाएं कि मेरे से जितना होगा मैं तन मन धन से सैनिकों की जरूर हेल्प करूँगा। और एक सैनिक ही एक ऐसी संस्था है जो अपने लिए कभी हड़ताल या मांग नहीं करता है, जबकि एक सैनिक देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे एकजुटता के लिए ही इंडियन आर्मी में भर्ती होता है, लेकिन देश का एक आम नागरिक अपने कोई जिम्मेवारी या कर्तव्य नहीं निभाता है। कोई भी आम नागरिक देश की सेवा और तरक्की के बारे में नहीं सोचता जो एक सैनिक सोचता है, क्योंकि सैनिक ही एक ऐसी संस्था है सर जो कभी भी अपने लिए कभी भी हड़ताल या कोई स्ट्राइक नहीं करती। हमारा मकसद है देश के अंदर जिस चीज़ के लिए हम एकजुटता के लिए जो भर्ती हुए आज रिटायरमेंट होने के बाद भी देश में प्रेम बढ़ाना है और प्रेम से ही देश को जागरूक करना है कि आप जो बॉर्डर्स के ऊपर हम लोग रहते हैं उनका बोलते हो लेकिन ग्राउंड के अंदर उतना आप लोग आदर नहीं करते जितना होना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी कहा कि इंडियन आर्मी में ज़रूर भर्ती हों और देश की एकजुटता और सेवा के जज्बे को लेकर इंडियन आर्मी में जरूर भर्ती होना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। तो युवाओं के लिए यही है कि अगर आपने सच में अगर आनंदमय जीवन जीना है तो वो है इंडियन आर्मी, क्योंकि एक हिंदुस्तान की आर्मी ही है जो अपने बारे में नहीं सोचते हुए पूरे देश के बारे में सोचती है। आप ये सोचिए कि एक सैनिक जब भर्ती हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं अच्छे हथियार चलाऊं, मेरा देश आगे बढ़े, लेकिन एक आम आदमी अगर नौकरी लग जाता है तो ये सोचता है कि मैं बड़ी गाड़ी लूं, मैं बड़ा बंगला बनाऊं। यही एक सोच है हिंदुस्तान की सेना में और एक आम आदमी में, तो यही सोच हम लोगों ने आम आदमी के अंदर भी आनी चाहिए कि बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला लेकर के कहाँ जाना है, देश के बारे में सोचें क्योंकि देश सर्वोपरि है।